आप लोग सब खैरियत से होंगे जी। अल्लाह के फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। आज के दिन का आगाज़ हुआ है जी अल्लाह के बरकत नाम से। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ रहमतें और बरकतें हासिल फरमाए और ज़हनी जिस्मानी रूहानी तकलीफ़ें दूर करें। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी माशाल्लाह से। आज 20वीं सहरी खैर से अल्लाह के फजल करम से, और देखें आज 20 रोज़े खैर से हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें हिम्मत दी, ताकत दी। अल्लाह पाक आगे भी हिम्मत ताकत दे, से सलामत वाली ज़िंदगी दे सबको। और जी सारी रात होगी बारिश होते हुए, बारिश सारी रात लगी हुई है, अब आके थोड़ी सी बंद हुई है, बल्कि कल दोपहर की लगी हुई है बारिश, वक्फे वक्फे से हो रही थी लेकिन रात को मुसलसल होती रही है बारिश ना, वो अब आके बंद हुई है। तो बाकी अल्लाह की रहमत है, अल्लाह पाक रहमत ही रखे। मतलब नया मार्च के महीने में तो वैसे बारिशें होती रहती है, एंड हो रहा है मार्च का, आज एंड हो गया खैर से 31 मार्च से आज। तो चलें जी चलते हैं जी सहरी बनाने किचन की तरफ, ठीक है ना, मेरे साथ ही रहना, जा रही हूँ मैं हसबे मामूल रोज़ की रूटीन के हिसाब से। नहीं जी आ गई हूँ अपने किचन में, बनाती हूँ अब रोटियाँ, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं फिर खाने की टेबल पर। साथ साथ रहना ठीक है ना, और उठ जाओ अल्लाह नबी के प्यारो, सहरी का वेला हो गया, उठ जाओ, रोज़ा रखो, नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, अल्लाह को याद करो। ये मैं सहरी जगाने वाले की अल्फाज अदा कर रही हूँ, जब रोज़ा के कहता है आज आया नहीं, बारिश की वजह से शायद नहीं आया। तो मैंने कहा चलें ये ड्यूटी मैं भी सर अंजाम दे दूँ, नेकी का काम ही है ना उठाना सहरी में, वैसे नहीं सहरी में उठाना, वैसे उठाया तो जूतियाँ पड़ देंगी सबको, डंडे पड़े, सहरी में उठाना सवाब का काम है। और ये जी एंड टाइम पे हसीब को याद आएगा, अम्मा जी चावल भी गर्म कर दो। मैंने कहा चलो अच्छा ओवन में गर्म कर देती हूँ चावल पीस के, चावल गर्म हो रहे हैं, जल्दी से जा रहे हैं, आधा घंटा रह गया सहरी बंद होने में भी। बड़ी स्पीडें पकड़ लेते हैं फिर मौलवी एकदम। चले जी चावल गर्म हो गए हैं, ले चलते हैं अंदर, बहुत गर्म प्लेट हो गई है। चलो जी आ गए कमरे में। आज रात को मैंने दही नहीं जमाई, गर्म है प्लेट ध्यान से, ये मैंने बाज़ार से दही मंगवा ली। मैंने कहा चलो क्योंकि लेट हो गया, तो बारिश हो रही थी, दूध लाने में लेट हो गया, तो फिर आती तो मैंने कहा फिर चलो बेटा दही भी बाज़ार से ले आओ, आज टाइम लग जाएगा जमने में इसको। तो सब ना करते हैं जी सहरी, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपसे ब्रेक के बाद मिलेंगे। अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ठीक है ना, अल्लाह पाक सबके रोज़े नमाज अपनी बारगाह में पूरा मंजूर फरमाए। आज माशाल्लाह से 20वीं सहरी होगी खैर से, रोज़ों की दौड़ लगी हुई, अब देखें कितने रहते हैं, 8 हैं कि 9 हैं कि 10 हैं कि क्या करते हैं। 9 हैं या 8 हैं, हाँ हाँ वही ना, पता नहीं क्या करते हैं, हर साल ही कुछ ना कुछ कर देते हैं रोज़ों का। हादी के बड़े दांत निकल रहे हैं, हादी क्या हो रहा है, क्यों मुस्कुरा रहे हो? अब्दुल्ला अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ऐश हो रही है, हाँ है तो वैसे ही माशाल्लाह से, मेरा शहजादा है, शहजादा मेरा गुड्डारा जी, जेलस होते हैं ना हादी, बाहर से उठा के लाए, सारों को मैं बाहर से उठा के लाई थी, क्योंकि मैं सस्ते में आदि मिला था इसलिए ऐसे। सुन लिया आदि, आपकी तरफ से कोई कमेंट्स नहीं आया अभी तक? अभी आप मसरूफ हैं सहरी खाने, मैं भी खाना खाऊंगा फिर बोलूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे अल्लाह के फजल करम से, मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए और सबकी ज़हनी जिस्मानी रूहानी तकलीफें दूर करे। चलें जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग इफ्तारी का टाइम, ठीक है सहरी ख़त्म हो गई थी, अब इफ्तारी के लिए क्या, ये देखो छिलके नज़र आ रहे हैं आलूओं के छिलके, फिर ये कटर नज़र आ रहा है चिप्स कटर जो है, तो समझ गए होंगे आप लोग कि आज फिर आलूओं ने धमाल डालना है हमारे घर में। तो खैर जी आलू काट के और उनकी कटिंग करके मैं रख आई हूँ, छील छाल के रख आई हूँ धो के, तो उसका बनाएंगे जी हम चिप्स, आज फिर बनाएंगे फिंगर चिप्स बनाएंगे, क्योंकि रोज़े हैं आप लोगों को पता है कि रोज़ों में तो यही कुछ चल रहा है, पकोड़े समोसे यही कुछ चलता है, खाना वाना कम ही होता है, खाना एक दिन छोड़कर एक दिन हमारे घर खाना भी बन जाता है, वो भी आप देख रहे हैं, हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते जा रहे हैं रोज़ की रूटीन में। और मौसम देखें ज़रा, इस वक्त फिर धूप निकली हुई है, सुबह इतनी गरज चमक के साथ बारिश होती, सारी रात बारिश होती थी, इतनी बारिश हो रही थी और फिर सारा दिन हो गया धूप निकल रही है,
चलते हैं किचन में जी। ये ले जी आ गई किचन में। हफ्सा ने क्या रखा जी? फुल्कियाँ, आज फिर आलू फुल्कियाँ बनेंगी जी। दही फुल्कियाँ वगैरह बन रही हैं, उबलने के लिए रखे हुए हैं। ये ले जी मेरे आलू जो मैंने छील के काट के धो के रख दिए हैं चिप्स के। और ये देखिए मुर्गियाँ, ये सारी मुर्गियाँ कौन सी नस्ल की मुझे पता ही नहीं कौन सी नस्ल की हैं, पैरों तक बाल आए हुए थे। गली में फिर रही बचपन में भी अजीब चीज़ है। ये आ गया फिर नाटो पड़ रहा जो आ रहा है। सुने जी इसकी आवाज़ आज बनाते मैं सुना रही थी इसकी आवाज़ मांगने पर लगेगी। इतनी अच्छी इसकी आवाज़ है माशाल्लाह से, ज़बरदस्त सी आवाज़, बहुत प्यारी नात पड़ता है ये आके। मरतबा प्याज बहुत ख़राब आई है ये, दिखाओ। हाँ देख लो, ये देखो उसके अंदर ही ले गई। हाँ तो काम ही नहीं करने भीड़ में आप। ये मेरी बाजी है ना। देखो गाइस ये प्याज है। हाँ इसे हम प्याज कहते हैं। देखो, अच्छा। देखो देखो देखो, चलो पीछे कर लो। चलो ठीक है, ये एक दो प्याज है और ये हफ्सा काट रही है। और ये देखें जी फाइनली हमारी इफ्तारी बनकर तैयार हो गई। दही फुल्कियाँ, फिंगर चिप्स और ये पापड़ी है और ये रायता है थोड़ा सा। ये है खजूर है रोज़ की, उसी तरह से इफ्तारी से लेके सहरी से लेके इफ्तारी तक की ये रूटीन हमारी रोज़ की। ठीक है, ये है हमारी रूटीन। तो चलें जी मिलते हैं फिर बाद में। अब दुआ मांग लेते हैं और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे, रहमतें और बरकतें नाजिल करे। और जी आज 20वां रोज़ा लोग तकाफ़ में बैठ चुके हैं। अल्लाह पाक सबकी इबादत अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आज दूसरा अशरा भी खैर से जा रहा है, कल से तीसरा अशरा शुरू हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह।